नमस्कार, GK24 न्यूज पर प्रस्तुत है जालौर जिले के आज के मुख्य समाचार। हेडलाइंस, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने नर्मदा नहर का किया गहन निरीक्षण। जिला मजिस्ट्रेट ने विवाह संबंधी आयोजन के संबंध में जारी किए आवश्यक निर्देश। द्वितीय चरण में नियुक्त जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट गंतव्य स्थल के लिए रवाना। SDM ने मैरिज हॉल संचालकों को कोरोना गाइडलाइंस की पालना के दिए निर्देश। द्वितीय चरण के मतदान दलों का अंतिम प्रशिक्षण गुरुवार को। COVID-19 सैंपलिंग के लिए अतिरिक्त मेडिकल टीम गठित। नोडल अधिकारी ने जन आंदोलन अभियान की समीक्षा की। संविधान दिवस पर कार्यक्रम से जुड़ने के निर्देश। और खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठान में QR कोड लगाना अनिवार्य। कोरोना विशेष जागरूकता अभियान द्वितीय के तहत पोस्टर बैनर व स्टिकर चस्पा कर आमजन को किया जा रहा है जागरूक। और आज प्राप्त रिपोर्ट में जिले में निकले 19 नए कोरोना संक्रमित। जालौर जिले के समाचार संध्या के समाचार बुलेटिन के साथ मैं गैबाराम चौहान। अब समाचार विस्तार से। जालौर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बुधवार को जिले के सांचौर उपखंड पहुंचकर नर्मदा मुख्य नहर एवं वितरिकाओं का गहनता से निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता बुधवार प्रातः नर्मदा नहर के जालौर में प्रवेश पॉइंट सिलू पहुंचे तथा वहां से पैदल चलकर मुख्य नहर एवं वितरिकाओं का गहनता से निरीक्षण किया। उन्होंने नर्मदा नहर के अधिकारियों से पानी के आवक के बारे में चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने नर्मदा नहर के जालौर जिले में प्रवेश पॉइंट सिलू पर नर्मदा नहर के उच्च अधिकारियों से गुजरात राज्य से जालौर जिले की नर्मदा नहर में पानी की आपूर्ति एवं वितरण के संबंध में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने नहर वितरिका पर अवैध पाइपलाइन डालकर पानी की चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को वितरिकाओं से अवैध पाइपलाइन द्वारा चोरी को रोकने एवं उन लोगों को पाबंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध पाइपलाइन डालकर पानी की चोरी को रोकने एवं वितरिकाओं की पर्याप्त साफ सफाई की व्यवस्था करने के लिए विभाग को भी निर्देशित किया। उन्होंने नर्मदा नहर के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नहर वितरिकाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें तथा ध्यान रखें कि सिंचाई के लिए अंतिम छोर तक किसानों को पानी मिले, ऐसी व्यवस्था करें। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सांचौर दशरथ सिंह, उपखंड अधिकारी चितलवाना दुधाराम, सांचौर तहसीलदार देशलाराम, नर्मदा नहर के मुख्य अभियंता DN शर्मा सहित अन्य नर्मदा नहर से जुड़े अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित थे। नर्मदा नहर के निरीक्षण के पश्चात जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने नर्मदा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में नर्मदा नहर से जिले में जल वितरण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। जालौर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने जिले में विवाह सीजन में कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावनाओं के मद्देनजर विवाह संबंधी आयोजन में आमंत्रित मेहमानों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए गृह विभाग राजस्थान जयपुर के आदेशों के अनुपालना में निर्देश जारी किए हैं। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निर्देशों के तहत विवाह समारोह के आयोजन की सूचना आयोजनकर्ता को संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को दी जाए। विवाह संबंधी आयोजन के लिए गाइडलाइंस एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अंतर्गत जारी किए गए नियमों के अनुसार आमंत्रित किए गए मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। विवाह समारोह बिना पूर्व सूचना के आयोजित नहीं किया जाएगा। विवाह समारोह का आयोजन बिना पूर्व सूचना के किए जाने पर राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत ₹5,000 तथा विवाह समारोह में 100 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर ₹25,000 शास्ति से दंडनीय होगा। विवाह समारोह स्थल पर सामाजिक दूरी की पालना सुनिश्चित करने होगी तथा विवाह समारोह में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क और फेस कवर पहनना अनिवार्य है। नो मास्क नो एंट्री की पालना करनी होगी। विवाह समारोह स्थल पर साफ सफाई की व्यवस्था करने के साथ प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग, सामान्य सुविधाएं एवं सभी बिंदु जो मानव संपर्क में आते हैं उनको सैनिटाइजेशन करना सुनिश्चित करना होगा। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि पंचायत स्तर पर विवाह समारोह आयोजन की सूचना प्राप्त होने पर गिरदावर, पटवारी, ग्राम सेवक, बीट कांस्टेबल का उत्तरदायित्व होगा कि वे आयोजनकर्ता को राज्य सरकार द्वारा जारी COVID-19 प्रोटोकॉल व गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित करने के लिए समझाइश कर पाबंद कराए तथा विवाह आयोजन संबंधी सूचना संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को भी दें। संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय में विवाह समारोह आयोजन संबंधी सूचना या अनुमति का एक रजिस्टर संधारित किया जावे तथा विवाह आयोजन के दिन विशेष निगरानी कर COVID-19 प्रोटोकॉल व गाइडलाइंस की पालना करवाई जाए। जालौर जिले में पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य चुनाव के द्वितीय चरण में भीमाल बागुड़ा एवं सन्नव के लिए नियुक्त जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रशिक्षण पश्चात अपने अपने गंतव्य के लिए पहुंचे।
पंचायत समिति सन्नो में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट 24 नवंबर मंगलवार को तथा बागुड़ा व भीनमाल पंचायत समिति के लिए नियुक्त जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट 25 नवंबर बुधवार को प्रशिक्षण प्राप्ति के पश्चात स्टेडियम से गंतव्य स्थल के लिए रवाना हुई। सभी नियुक्त मजिस्ट्रेट उनको आवंटित क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाने के लिए उत्तरदायी होंगे तथा अपने अपने क्षेत्र का गहन भ्रमण कर क्षेत्र की जानकारी लेंगे एवं कानून एवं व्यवस्था सहित स्थिति का आकलन करेंगे एवं न्याय उचित कार्रवाई करेंगे। जालौर उपखंड अधिकारी चंपालाल जिनकर की अध्यक्षता में बुधवार को पुलिस थाना कोतवाली परिसर में विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विवाह सीजन में कोरोना गाइडलाइन की पालना के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में उपखंड अधिकारी चंपालाल जिनकर ने मैरिज हॉल संचालकों को निर्देश दिए कि वे मैरिज हॉल में आयोजित होने वाली शादियों के संबंध में विवाह आयोजनकर्ता से अनिवार्य रूप से विवाह से 100 से अधिक मेहमानों को आमंत्रित नहीं करने, मास्क लगाने सहित कोरोना एडवाइजरी का पालन करने का शपथ पत्र लेने के निर्देश दिए। साथ ही मैरिज हॉल के प्रवेश द्वार पर नो मास्क नो एंट्री के बैनर लगाकर इसकी सख्ती से पालना की बात कही। उन्होंने बताया कि उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर प्रथम कार्रवाई में विवाह आयोजनकर्ता के खिलाफ 25,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इस दौरान मैरिज हॉल संचालकों ने उपखंड अधिकारी को कोरोना गाइडलाइन की पालना व प्रशासन का सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में पुलिस सहायक निरीक्षक किरण कुमार व नगर परिषद आयुक्त महिपाल सिंह सहित रावणा राजपूत सभा भवन शांतिनाथ महाराज का अखाड़ा विजय पैराडाइज मुस्लिम मुसाफिर खाना पोरवाल जैन ज्योति नोहरा सुरपुर जैन ज्योति नोहरा प्रताप चौक जैन दादावाड़ी व प्रताप छात्रावास माफ कीजिएगा प्रजापत छात्रावास के संचालक सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। जालौर जिले में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव के तहत द्वितीय चरण के निर्वाचन के लिए मतदान दलों का अंतिम प्रशिक्षण 26 नवंबर गुरुवार को वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालौर में आयोजित किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के 27 नवंबर को द्वितीय चरण के निर्वाचन के लिए 26 नवंबर गुरुवार को प्रातः 8:30 बजे सन्नौ पंचायत समिति तथा प्रातः 10:30 बजे भीनमाल व बागुड़ा पंचायत समिति के मतदान दलों का अंतिम प्रशिक्षण संपन्न होगा, जिसमें संबंधित पंचायत समितियों के लिए गठित मतदान दलों में नियुक्त मतदान अधिकारी एवं समस्त सहायक मतदान अधिकारी उपस्थित होंगे। प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात मतदान दल मतदान सामग्री प्राप्त कर अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। जालौर जिले में कोविड-19 के सैंपल एकत्रित किए जाने के लिए जिला चिकित्सा प्रयोगशाला के अलावा एक अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ टीम गठित की गई है, जो जिला न्यायालय के मुख्य द्वार पर प्याऊ के पास लगाया गया है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार एक अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ टीम को जिला न्यायालय के मुख्य द्वार पर कोरोना संदिग्ध रोगियों के सैंपल लेने के लिए लगाया गया है। उन्होंने बताया कि ये मेडिकल टीम कार्यालयों दिवसों में दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक सैंपलिंग का कार्य करेगी। जालौर जिले में कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रही जन आंदोलन के तहत नो मास्क नो एंट्री का अधिकाधिक प्रचार करने के उद्देश्य से बुधवार को स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी राजेंद्र आहुआ ने जन आंदोलन अभियान की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान नोडल अधिकारी राजेंद्र आहुआ ने शहर में बिना मास्क पहने घूमने वाले व्यक्तियों से मास्क पहनने की समझाइश करने के साथ ही परिषद कार्मिकों को जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्तमान में सर्दी के मौसम त्योहारी सीजन और वैवाहिक कार्यक्रम अधिक होने से कोविड-19 संक्रमण अधिक फैलने की संभावनाओं को देखते हुए अभियान में तेजी लाकर आमजन को जागरूक करने के बात कही। उन्होंने नगर परिषद के प्रांगण में कोरोना वायरस के प्रति आमजन को जागरूक करने की दृष्टि से बनाई गई रंगोली की प्रशंसा की तथा नगर परिषद अधिकारी कार्मिकों को शपथ दिलाकर नियमित रूप से मास्क का उपयोग करने 2 गज की दूरी बनाए रखने बार बार हाथ धोने सार्वजनिक स्थान पर थूकने कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखने पर त्वरित जांच कराने व एडवाइजरी एवं दिशा निर्देशों का पालन करने के साथ ही आमजन परिवारजनों व रिश्तेदारों को जागरूक करने की शपथ दिलवाई गई। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त महिपाल सिंह अधिशासी अभियंता विनय बोड़ा सहायक लेखाधिकारी अशोक कुमार शर्मा कनिष्ठ अभियंता जसपाल सिंह NUMM प्रबंधक सहित परिषद के अन्य अधिकारी व कार्मिक उपस्थित रहे। नोडल अधिकारी राजेंद्र आहुजा ने शहर में विभिन्न मंदिरों व मस्जिदों में जाकर पुजारियों मौलवियों व श्रद्धालुओं को कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करने एवं 2 गज की दूरी बनाए रखने की बात कही।
जालौर जिला कलेक्टर ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री के संविधान की प्रस्तावना के पठन के दौरान अधिकारियों व कार्मिकों को कार्यक्रम के जुड़ने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि गुरुवार को प्रातः 11 बजे संविधान दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री द्वारा संविधान की प्रस्तावना के पठन के दौरान कार्मिक अधिकारी इस कार्यक्रम से जुड़ना सुनिश्चित करें, साथ ही संविधान के मूल्यों एवं मौलिक सिद्धांतों के संबंध में वार्ता या सेमिनार का आयोजन किया जाए। इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइंस की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें। जालौर जिले में समस्त खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को डिजिटल सिस्टम से भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रतिष्ठान में उर्वरक की बिक्री डिजिटल सिस्टम से विक्रय कैशलेस सुविधा लगाए जाना अनिवार्य किया गया है। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर आर बी सिंह ने बताया कि उर्वरक विभाग भारत सरकार द्वारा उर्वरकों में DBT को बढ़ाने के लिए उर्वरक कंपनियों के माध्यम से POS मशीन द्वारा खुदरा विक्रेताओं को उपलब्ध करवाई गई है तथा इसका उपयोग अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में समस्त खुदरा उर्वरक की बिक्री डिजिटल सिस्टम से विक्रय कैशलेस सुविधा किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने जिले के समस्त उर्वरक खुदरा विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे अपने प्रतिष्ठान में कैशलेस सुविधा आवश्यक रूप से 1 सप्ताह के अंदर संस्थापित करें। कैशलेस सुविधा पेटीएम, गूगल पे, UPI आदि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव एवं जागरूकता के लिए राज्य भर में चलाए जा रहे विशेष जागरूकता अभियान के तहत जिले में जिला प्रशासन एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा शहर भर में कोरोना जागरूकता पोस्टर व स्टिकर छपा करने के साथ ही फ्लैक्स बैनर लगाकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। राज्य भर में चलाए जाने वाले विशेष जागरूकता अभियान द्वितीय के तहत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जयपुर से प्राप्त प्रचार सामग्री जालौर शहर में वितरण व स्वच्छता करने के साथ ही जिले भर में उपखंड अधिकारी और नगरीय निकाय एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से पहुँचाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जहाँ से इसे आमजन में जागरूकता के लिए वितरण एवं स्वच्छता करवाया जाएगा। कोरोना से बचाव व जागरूकता के तहत प्राप्त प्रचार सामग्री विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार त्यौहार, शादियां, सर्दियों के मौसम एवं प्रदूषण के कारण कोरोना महामारी का संक्रमण और अधिक बढ़ सकता है, इसलिए त्यौहारी सीजन एवं सर्दियों में संक्रमण के अधिक खतरे को मद्देनजर रखते हुए सावधानी एवं सजगता बरतने के संदेश दिए गए हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा कोरोना से बचाव एवं जागरूकता के विशेष अभियान के तहत सनबोर्ड, सनफैक, फ्लैक्स बैनर, पोस्टर एवं स्टिकर प्राप्त हुए हैं। साथ ही विभाग द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जागरूकता के तहत डिजिटल वॉल पेंटिंग भी करवाई जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त रिपोर्ट में प्रक्रियाधीन सैंपलों में से 614 की रिपोर्ट आज प्राप्त हुई, जिसमें जिले में नए 19 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। CMSO डॉक्टर GS देवल ने बताया कि प्राप्त रिपोर्ट में 15 जालौर शहर, 1 तिखी, 1 सिराना, 1 पूर्ण एवं 1 मुद्रा निवासी व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संभावित व्यक्तियों एवं कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों में से जिले में अब तक कुल 136,887 सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 129,018 की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। जिले में अब तक कुल 4,930 व्यक्ति कोरोना संक्रमण पॉजिटिव पाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने नर्मदा नहर का किया गहन निरीक्षण। जिला मजिस्ट्रेट ने विवाह संबंधी आयोजन के संबंध में जारी किए आवश्यक निर्देश। द्वितीय चरण में नियुक्त जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट गंतव्य स्थल के लिए रवाना। FDM ने मैरिज हॉल संचालकों को कोरोना गाइडलाइंस की पालना के लिए निर्देश। द्वितीय चरण के मतदान दलों का अंतिम प्रशिक्षण गुरुवार को। कोविड-19 सैंपलिंग के लिए अतिरिक्त मेडिकल टीम गठित। नोडल अधिकारी ने जन आंदोलन अभियान की समीक्षा। संविधान दिवस पर कार्यक्रम से जुड़ने के निर्देश। खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठान में QR कोड लगाना अनिवार्य। कोरोना विशेष जागरूकता अभियान द्वितीय के तहत पोस्टर, बैनर व स्टिकर छपवा कर आमजन को किया जा रहा है जागरूक। और आज प्राप्त रिपोर्ट में जिले में 19 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ आज के इस सांध्यकालीन बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे यानी जयराम चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।